भाई जान इतना डिजाइन दिखाएं, एक तो पाक में देता बैठा भी है, ये डिजाइन दिखाया सी, ये डिजाइन कुछ बेस्ट लगता भी है भाई जान। ये तो एक छोटा नंबर दिखा सोचा भाई, फुल छोटा साइज है, फुल छोटा है। हाँ जी, और मेरा पैर ही नहीं सही है, अभी कदम तो स्लीपर भी अच्छा है जी। अस्सलाम वालेकुम जनाब, क्या हाल चाल है? तबीयत से ठीक है? उम्मीद है सारे ठीक ठाक हो। सो अल्लाह दे फजलो करम नाल असां भी ठीक ठाक हैं। मैं हाँ इरफान अहमद, मैं भतीजा फैजान ते नाल वकास। हाथी लाओ बेटा ओए, ते तू सारे ते पे सारे यूट्यूब चैनल फानी मलिक। जनाब जूती तले कर, जूती तना दिखा विच। खैर है सवेरे सवेरे का टाइम है, तो वाला जनाब थोड़ी खिदमत एक नवी वीडियो गिन के जो है हाजिर थे। तो मैं जड़ा है हूँ वह पे अपने सिटी फतेहपुर, सर्दी भी काफ़ी है, इस वजह तो कोई मौली बना खड़ा टोपी करके, तो मैं जी सर्दियों की टोपी की करा। तो फतेहपुर मैं क्यों वह पे ये थोक मैं इतों पहले दसा देव। मेरा छोटा भाई जरा मुहम्मद उस्मान है, वह इंजीनियरिंग का डिप्लोमा किया, तो तकरीबन 2 महीने थी गए उन्होंने को, यानी कि वो डिग्री मिल गई है, सर्टिफिकेट मिल गई है, डिप्लोमा जड़ा है कंप्लीट थी गया है। तो उकू जड़ा है मैं हूँ अगर फील्ड ही भेजना है इंजीनियरिंग वाली। तो हूँ एक दोस्त आई, वो पहले उतनी कराची काम करा रही है, अज उको असा कराची भेजें दे पे इंजीनियरिंग वाली फील्ड उत यानी कि जॉब वास्ते भेजें दे पे। तो उन्हें थोड़ी शॉपिंग करनी, मतलब जूती गिननी है, तो कोई छोटा मोटा भी समान गिनना है, क्योंकि इतू जरा सा सफर है कराची का तकरीबन 24 घंटा का सफर है। तो लिहाजा असा के शॉपिंग जी तू की वन, क्योंकि वाला कड़ा था रोज़ रोज़ आवना या जड़ी चीज़ गिननी हो इतों की वन, उतना तक कोई ना तकलीफ ना आवे। तो वेंदे पे वो शायद कोई चीज़ा गिननी से वकास भतीजे की कल वाली वीडियो तुम्हें दिखी है कि जुत्ती चेंज करावनी है, जेड़े दुकान वाले को गिना है उन्हें को वन के मैं जुत्ती दीती है। मैं यार इन्हें तू वड़ा नंबर दे जा, ऊ पागल तो पुत्र वाला मेरे को छोटा नंबर ना पा दिता है, गिनना वड़ा ही पहले छोटी वाला उन्दे तू बाद वाला हूँ मेरे को भी छोटा नंबर ना पा दिता है। वो वकास हूँ अपनी जुत्ती दिखाता खड़ा ही कि मेरी जुत्ती चाहिए वन, तो वाला वो चेंज कराई आवे। तो हूँ जुलते पे उतनी सिटी फतेहपुर, तो वीडियो शुरू करने से पहले जनाब छोटी जी गुजारिश है, अगर तुम सारे चैनल पर नवे आए सारे चैनल को सब्सक्राइब करके नो, तो नाल जो घंटी का निशान दिता कि उसको दबावना ना भूल सर। सब तो पहले तो जनाब सर्दी है, नुकार करके ना चादर करके ना इकली जैकेट ना काम नहीं चलना, एक तो धुंध भी बहुत ज्यादा पे खड़ी है। वकास तू भी ना चल रहा है? नहीं यार सर्दी है, तू इतना ही खड़ ते तेरी जुत्ती जड़ी है ना वो मैं चेंज कराई है, ठीक है दोस्तान यार। हाँ स्टार्ट थी वैसे सर्दी किधर गई हो चौक सर। जनाब मैं जड़ा है अपने सिटी फतेहपुर पहुंच गया, तो सर्दी बहुत ज़्यादा है, बड़ी सर्दी लग गई है। बैक साइड से तो गड्डी नज़र आती पी असी आदिल शाह कोच है, इं कुछ है असा टिकट करानी है, ये सारी बस जी है कराची वन वाली है। तो छोटे भाई की इतना ही जी है टिकट करवाना, इसे बस की पहले टिकट करा के ना जोड़ा समान भी है गिनना वो बाद ही गिनसो, क्योंकि टाइम थोड़ा रह गया, पहले जी टिकट करवा के ना इं बस वाले को हूँ बहने मैनेजर को मिलते हैं, पहले टिकट करवा के नो। एक दी है जनाब आदिल शाह कराची वेना, कराची की फट्टी लगी खड़ी है, ये मेरे ख्याल ड्राइवर हजरात खड़े जनाब गली जी सफाई वगैरह कराते पैन, कलीना बार कटेंदे पैन, छोटा बच्चा भी ड्राइविंग कराता बैठा है। गड्डी चला लेना तू, चला लेनी गड्डी है, चल चला चला अपना चौक की मंडी अपना चाचा 2 लाख की चल रही है, चल मेनू इथे ला दे, रोक रोक मेनू ला दे, मेनू ला दे रोक दे चौक आदम देगा ए जनाब गड्डी है परस मोल पैसा हर हालत में देना है, तो आज सफाई हुन थी नहीं है अपना चाचा लोग। हाँ सर्विस वास्ते आई खड़ी पिछू पेट्रोल पंप है, इतना गड्डी खड़ी है तई, तो इनका जरा दफ्तर है या मैनेजर साहब बैठे वो पिछा ला रही है डेज बैठे, तो इतू ड्राइवर को पूछे अंकल उन को पूछे उन्हें आके तुसा पिछा वन ला रही है डेज, उतना सा दफ्तर है, उतना मैनेजर बैठे थे उनके को वन के तुसा टिकट करवाओ, तो हूँ जुलते पे पिछा ला रही है डेज जी। ये जनाब ला रही है सारे सिटी फतेहपुर का साजा ट्रैवल, ये जनाब उन्हें गड्डी वालों का दफ्तर बना है आदिल शाह कोच, मैनेजर हजरात बैठे तो कौन ही पता करेंगे हैं इतना।
ਇਹੋ ਮਲਿਕ ਜ਼ਫਰ ਸਾਹਿਬ ਵਦਨ ਤੇ ਅਸਲ ਤੇ ਇਹ ਕੋਚ ਡਰਾਈਵਰ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇਕੋ ਅਕਸਰ ਵੀਡੀਓ ਜਿ ਮੈਂ ਨਾਲ ਡਿਟੋ ਸੀ ਇਹ ਵੈਸੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਲੇਕੁਮ ਸਲਾਮ ਵੈਸੇ ਹੈਲਪ ਤੌਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਾ ਕੰਮ ਤੇ ਆਇਆ ਵਤਾਉਂਦਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕੋਚ ਡਰਾਈਵਰ ਕਿਹੜੀ ਕੋਚ ਹੈ ਤੇਰੀ ਲੱਗੀ ਖੜੀ ਹੈ ਕਿਤਾ ਮੈਂ ਦਬੀ ਮੈਂ ਤੱਕ ਦੀ ਚਲ ਕਿਰਾਇਆ ਕੋਨੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਵੇਂ ਕਿਨ ਜਲ ਸੇ ਪੱਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਚਲ ਆਏ ਇਹ ਜਨਾਬ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜੇ ਚਾਦਰ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਤੇ ਇਹ ਮੈਨੇਜਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨਾਂ ਆਦਰ ਕੋਚ ਚਲਾਉਂਦੇ ਜਨਾਬ ਇਹ ਚਾਚਾ ਹੈ ਇੱਕ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰੇ ਦੇ ਖਣੇ ਕਿਤਨੀ ਸੀਟ ਨੰਬਰ ਆਦੇ ਪਵੇ 40 ਚਾਚਾ ਥੋੜੀ ਕੋਈ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰੇ ਜਾ ਅਸਾਂ ਬਾਲ ਪਹਿਲਾ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੈਕ ਰਾਚੀ ਇਹਦਾ ਸਫਰ ਕਰੇ ਦਾ ਮਾਸਟਰ ਦੀ ਵੀ ਚਾਹੀਏ ਕਿ ਵੇ ਜੇ ਪਿੱਛੇ ਪੈ ਕੋਈ ਜੰਪ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕੁਝ ਜੰਪ ਨਾ ਲੱਗ ਸਰ ਕਿਰਾਇਆ ਕਿਤਨਾ ਹੈ 2100 ਇਹ ਜਨਾਬ ਹੁਣ ਸਾਰੀ ਟਿਕਟ ਕੱਟੀ ਨਹੀਂ ਪਈ ਹੈ ਉਹ 44 ਨੰਬਰ 40 ਨੰਬਰ ਸੌਰੀ 40 ਨੰਬਰ ਚਾਚੂ ਟਿਕਟ ਕਟਿਆਂਦਾ ਪਈ ਅੱਜ ਦੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ ਅੱਜ ਦੀ ਅੱਜ ਦੀ ਅੱਜ ਦੀ ਮੋਬਾਈਲ ਮੁਕਤਸਰ ਜਨਾਬ ਟਿਕਟ ਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਲਾਰੀਏ ਦੇ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੇ ਪਏ ਅੱਗਾ ਜੁਲਦੇ ਸ਼ੋਪਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਹੀ ਉੱਥੇ ਬਾਈ ਦੀ ਇੱਕ ਜੁੱਤੀ ਗਿਣਨੀ ਹੈ ਬਾਕੀ ਕੋਈ ਜੁਰਾਬਾਂ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਗਿਣਨੀਆਂ ਉਹ ਜੁਲ ਕੇ ਹੁਣ ਗਿਣਦੇ ਹਾਂ ਜੁਰਾਬਾਂ ਵਗੈਰਾ ਪਈਆਂ ਤੇ ਆ ਕੰਬਲ ਸ਼ੰਬਲ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇੱਥੋਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਇੱਥੋਂ ਬਾਈ ਕੋਲ ਜੁਰਾਬਾਂ ਗਿਣਦੇ ਹੈ ਮਲਾ ਅੱਗਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਗਿਣਦੇ ਹੈ ਜੁਰਾਬਾਂ ਦੇ ਦੇ ਇੱਥੋਂ ਕੋਈ ਮੋਟੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਗਿਣਦੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੋ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮੋਟੀਆਂ ਆਣੇ ਸਰ ਜਨਾਬ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ ਤਾਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਮੈਂ ਕਿ ਇੱਥਾਂ ਰਾਸ਼ਦ ਬਈ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਖੜੇ ਨਾ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਪੈਦਲ ਵੈਨਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੋਪਿੰਗ ਕਰਨੀ ਉਹ ਵੈਸੇ ਵੈਨਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹੀ ਸਰਦੀ ਜ਼ਿਆਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਨਾ ਚਲਾਉਣਾ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦਿਸਦਾ ਪਿਆ ਹੁਣ ਇਹ ਜਨਾਬ ਮੈਂ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਇਆ ਮੈਂ ਕਿ ਅੱਗੇ ਸਿਲੰਡਰ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀ ਬੈਠੇ ਨਗੋਂ ਸਰਦੀ ਬਹੁਤ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਮੈਂ ਕਿ ਸਿਲੰਡਰ ਸੇਕ ਦਵਾਂ ਕਿ ਇੱਥਾਂ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਸਿਲੰਡਰ ਮੁਕਾਈ ਬੈਠੇ ਖਾਲੀ ਰੱਖੀ ਬੈਠੇ ਅੱਗੇ ਗੈਸ ਮੁੱਕ ਗਿਆ ਦਿਖਾਂ ਗੈਸ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਖੜਾ ਬਾਈ ਇਹ ਚੈੱਕ ਕਰ ਗਏ ਬੇਸ਼ੱਕ ਹਾਂ ਬਸ ਫਾਇਦਾ ਤੇ ਵਾਦੇ ਗੋਗੂ ਰੱਖੀ ਕਿਉਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਚਾਚਾ ਹੈਲੋ ਤੈ ਕੁਆ ਤੈ ਹਾਂ ਰੱਖੀ ਕਿਉਂ ਬੈਠੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਆਸਰਾ ਦਿੱਤਾ ਬੇਸ਼ੱਕ ਸੇਕ ਆ ਜੀ ਅੱਛਾ ਇਹ ਜਨਾਬ ਦੁਕਾਨ ਲੈ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਭੈਣ ਸਿਲੰਡਰ ਤਾਂ ਹੈ ਕੋਨਾ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬਾਤ ਸਿਕਵਾਈ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਚਾਹ ਮੰਗਵਾ ਲਈ ਤੇ ਨੇ ਚਾਹ ਪਿਲਵੈਂਦੇ ਭੈਣ ਚਾਹ ਆਈ ਪਈ ਹੈ ਹੁਣ ਚਾਹ ਪੀਨੇ ਆ ਹੋਰ ਫਿਰ ਪਕਾਈ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਪੇਟੀ ਦੀ ਪੈਕਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੇਟੀ ਬੰਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਚੌਲ ਨਵੇਂ ਨਾਲ ਆ ਗਏ ਉਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੋ ਆਖਦਾ ਮੈਂ ਖਵਾਇਆ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਕਰ ਲਵਾਂ ਲਾਡੀ ਲੈ ਚੱਲ ਯਾਰ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਆਖੇ ਹਾਲੇ ਇਸੇ ਬਟੂਆ ਰੱਖੂ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਚਾਹ ਪੀਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਨਾਬ ਹੁਣ ਜੇ ਮੈਂ ਅੱਗਾਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹੀ ਆ ਗਈਆਂ ਜਿੱਥੋਂ ਛੋਟੇ ਬਾਈ ਦੀ ਸੋਰੀ ਛੋਟੇ ਭਤੀਜੇ ਦੀ ਜੁੱਤੀ ਗਿਣ ਗਿਆ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹ ਹੁਣ ਚੇਂਜ ਕਰਾਉਣੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਛੋਟੀ ਜਾ ਰਹੀ ਤੀ ਉਹ ਚੇਂਜ ਕਰਾਉਣੀ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਲਾ ਛੋਟੇ ਬਾਈ ਦੀ ਜੁੱਤੀ ਗਿਣਨੀ ਹੈ ਇੱਕ ਸੇਫਟੀ ਨੁਮਾ ਜੋ ਉੱਥਾਂ ਪਾਣੀ ਵਗੈਰਾ 'ਚ ਪਾਉਣ ਦੇ ਉਹਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ 'ਚ ਆਵੇ ਉਹ ਵੀ ਵਾਲਾ ਗਿਣਦੇ ਹੈ ਹੁਣ ਇਹ ਜਨਾਬ ਕੱਲ੍ਹ ਇਸੇ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਜੋ ਛੋਟੇ ਭਤੀਜੇ ਦੀ ਜੁੱਤੀ ਗਿਣ ਗਿਆ ਸੀ ਉਵੇਂ ਬਾਈ ਕੋਲ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਚੇਂਜ ਕਰਾਉਣ ਆਇਆ ਖਣਾ ਕੱਲੂ ਫੁੱਲ ਕੇ ਵੱਡਾ ਨੰਬਰ ਦੇਣਾ ਹੀ ਬਾਕੀ ਮਜ਼ੀਦ ਛੋਟਾ ਚਾਹ ਦਿੱਤਾ ਤੈ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਦੇਣਾ ਤੇ ਮੈਂ ਮਜ਼ੀਦ ਛੋਟਾ ਚਾਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਹ ਜਨਾਬ ਅਸਲ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਵੱਡਾ ਨੰਬਰ ਹੈ ਹੀ ਕਾਨਾ ਉਹ ਆ ਕੇ ਭਾਈ ਗਿਆ ਉਹਦਾ ਮਾਲ ਗਿਣਨ ਉਹ ਗਿਣ ਕੇ ਅੱਜ ਵਾਪਸ ਆਵੇ ਸੀ ਤਾਂ ਤੂੰ ਸਵੇਰੇ ਆਵੇਂ ਸਵੇਰੇ ਆ ਕੇ ਇਹ ਚਾਹ ਵਜੇ ਅੱਜ ਤਾਂ ਦੀ ਸਕ ਵਲਾ ਦੇ ਜਾ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਕਿ ਦੂਜਾ ਚੱਕਰ ਲਈ ਖਾਣਾ 150 ਰੁਪਏ ਦੀ ਜੁੱਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ 50 ਰੁਪਏ ਦਾ ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਰਿਕਣ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਵਲਾ ਉਹ ਆਖੇ ਬਸ ਯਾਰ ਮਾਜ਼ਰਤ ਕਰੇ ਨਾ ਲਿਆ ਸਵੇਰੇ ਵਲਾ ਆਸਾਂ ਵਲਾ ਉਹ ਚਾਹ ਵੈਸਾ ਜੁੱਤੀ
हूँ जो है जनाब छोटे भाई की जुत्ती गिनने आया बैठा उसकी सिर्फ जुत्ती गिनने इतना एक भाई शॉप से आया बैठा उत्तर जुत्तियाँ दे दाँ भाई वास्ते पसंद करना वो गिनने तो बाद गिनने बाद वापस घर तो जुलते पे भाई जान ये त्रै डिजाइन दिखाए एक तो पा के मैं देता बैठा भी ये डिजाइन दिखाया सी ये डिजाइन कुछ बेस्ट लगता भी है बेचा नहीं तो छोटा नंबर लिखे सोचा भाई फुल छोटा साइज है फुल छोटा है हाँ जी और मेरा पैर इतना सही है भी कदम तो स्लीपर भी अच्छा है जीवे मर्दी ने पानी चाहे जीवे इस्तेमाल कर अच्छा हाँ जी है भी अच्छा कम कंपनी का स्लीपर आता ही रहता है सही इधर अलमारी जो और कोई नहीं खड़ा इधर भी अभी दिखाओ जब मैं एक बोर्ड लाई बैठा भी है ना लहावा पिया भाई उन्हें भी पैर दिखा दे पेन इस जुत्ती का ये भी अच्छी जुत्ती है सो जनाब ये जुत्ती सिलेक्ट कर गई थी से छोटे भाई वास्ते पंजे वाली तो शोबाज भाई ना है शॉप वाले का हूँ भाई इनकी प्राइस बिल्कुल नॉर्मल दसे सो बगैर किसी बहस दे मुख्तसर जनाब जुत्ती का जो रेट है फिक्स वो भी भाई नाल कर गई दसे सही रेट तो दीते ने प्यार मुहब्बत ने दीते ने तो हूँ एक घंटे तो बाद वापस राशिद भाई की दुकान पर वेंदे पे उतो अपनी बाइक कहने पर वापस घर तो जुलते पे क्योंकि बस वाले टाइम दिता ही 4 बजे का कराची वास्ते 4 बजे बस निकलनी है तो छोटे भाई को घरों चाह के वाला बस से भी पहुँचावना है जनाब बह तो सारे काम ठीक है ही कम रह गए छोटे भाई का डोमिसाइल ये हैं इन्हों की फोटो कापियाँ करावनियाँ तो ये डोमिसाइल वगैरह दियाँ तो डॉकूमेंट्स जितने सारा दियाँ फोटो कापियाँ करा के नूँ ये भी उतना जमा करावनिया जरूरत हैं बस आखिरी काम ये है इन्हें तो बाद वापस घर तो छू इतना फोटो कापियाँ कराना पे जफर साहेब हैं हाँ आई टी कार्ड की भी कर दे हाँ वाजे कौन नहीं पता भैया सारे भैया फोटो कापी डॉकूमेंट्स दी ठीक है एक आई डी कार्ड की फोटो कापी रह गई वो भी मशीन कट दी है मैं तो कहीं निकल दी पाइं एक साइड निकली है भाई साइड वाला रखे थे पैन फाइनली जनाब छोटे भाई को मैं कहन के शहर आ गया चाह के उनका समान पिछू ये बोरा नजर आता पी भी आ बैग हथे ना पी खाना छोटा भाई भी नाल आया खड़ा है एक फतेहपुरी तक इन आया बस जो अद्धा घंटा रह गया है तो पहले नंबर से इन सिम से अकाउंट को नहीं खुला होया अकाउंट खुलवाने तो एक नवी सिम एक गिन के देवनी से और नवी सिम गिन देना अजन बासी जो दे रही तो बाद वाला बासी बन के इंदा समान वगैरह रखवाना तो हूँ जुलते पे पहले सिम गिनन इधर वास्ते सिम गिनन ता आए गणे सारे चौक फ्री सिम वाले आए गणे उना को जे सिम गिनते पे और परचेस करना पे भाई फिलहाल नंबर जड़ा है अपना उस लड़ की सिम बिल्कुल मुफ्त हासिल बिल्कुल अपनी सिम जड़ा एक नंबर सिलेक्ट करके दसी वो अपने नाम करवांदा पे हुन बिल्कुल मुफ्त हासिल करे भाई जान है फ्री ना बिल्कुल असा असल दे ना ज्यादातर फ्री वाली चीज को तरजीह देने इस वजह से फ्री वाली सिम केंद्र पे 1200 मिनट 1200 एसएमएस 1200 एमबी इंटरनेट ए जनाब साले फतेहपुर दा चौक है चौक दे विच खिलौना लाया बैठा एक मुफ्त हासिल करें 1200 मिनट 1200 एसएमएस खिलौने बड़े प्यारे प्यारे खिलौने के बैठा चौक दे नाल ही जो सिम वाले बैठे फ्री सिम वाले आने वाले इना को सिम की दिया से ये जनाब हूँ छोटा भाई सिम अपने मोबाइल ही पैंता पिए मजे की गल ये थी है कि जिन्ना भाई उनको सिम की से ना अकाउंट ही उन्हें सब कुछ इतना खोल दीते सब कुछ दफ्तर ही नहीं वजना पिया पीछा सारा काम इतना ही थी कि बस हूँ जो है वापस वाला वेंदे पे समान चाहने तो वाला एक मैं छोटे भाई को गड्डी के बीच बिलाना तो बाद घर दो वापस वेना भाई अंदर वेंदा पे मोबाइल शॉप बिस्मिल्ला मोबाइल शॉप सारी होलसेल दुकान है फतेहपुर की इन्हें तो वेंदा पे इतों गिनने से हैंड फ्री अगर हैंड फ्री मैं की जल्द उतना जरूर आता सन हैंड फ्री गिनने तो मोबाइल वाली दुकान तो ये जनाब ये हैंड फ्री असं पसंद की खाने इनकी प्राइस पूछते हैं कि कितनी के 200 की फाइनली जनाब हैंड फ्री जड़े परचेज कर किए से वो करन तो बाद हूँ वेंदे पे राशिद उनकी दुकान पर
जो समान उत्थे रखा है वो समान चने तो वाला वास्ते जुलते पे भाई कौन वास्ते भी लेना क्योंकि टाइम ही पूरा थी चुके चार बजे तो नाक आई त्रै पंजा थी गए चल मोड़ा मोटरसाइकिल छोटा भाई मोटरसाइकिल कटी जाता है। फाइनली जनाब अस लारी अड्डे से पहुँच गए बस जी सवेरे थोक दिखाए उतना पंप से खड़ी थी उतु पता किया गड्डी स्टार्ट थी खड़ी थी इतनी आँधी पी लारी अड्डे इतना जो है भाई कून बिलवैना समान अस चाह के इतनी आए खड़े लारी अड्डे से ये बैक साइड तू उन्हों का ऑफिस तो नजर आता पे असं आदल को चलाना हूँ इतना ही गड्डी आँधी पे तो वाला भाई को जो है चढ़ पेने दुआ करे सो कि अल्लाह पाक खैरियत नाल भाई को जो है पहुँचा देवे अपने मंजिले मुकाम से। जनाब ये भी जी बस वी पी है ये भी कराची की है यह चौधरी एक्सप्रेस लेकिन असं जी सीट कराई वो तुसा भी जीठा आदल एक्सप्रेस हल है। ये जनाब सामने वाली बस जी आती पी है इसे बस से भाई उनको बिलावना है आदल कोच भाई जन गया वाशरूम वो आंदे तो बिलाने पहले उनका समान जोड़ा है बीच रखवे ना छोटा भाई आ गया समान अपना चाहिए अगर बीच रखवा है अद्धी गड्डी तो लेवे खाली आती है गट्टू के उत्ते नाम भी असा अपना लिखो है फानी मलिक चढ़ता सॉरी बस ही चढ़ता पे छोटा भाई जड़ा है बस के बीच चढ़ गई अगर अपनी सीट भी लेंदा पता है 40 नंबर सीट आई छोटे भाई की सीट भी बिल्कुल एंड ते आ गई है पिछा 40 नंबर सीट आई चल बह हूँ ये जनाब गिरी का डैक्स बोर्ड है ड्राइवर तो बिल्कुल ही थले बंद है अपने अपने शहर का नाम फतेहपुर चौक आजम माशाल्लाह सारे पैसेंजर जड़े हैं कराची वाले चढ़ते पे मुख्तसर जनाब मैं जो है अपने छोटे भाई को चढ़ा के ते वापस जो है अपने घर भी हूँ पहुँच गया सर्दी की वजह तो सिरिच भी काफ़ी दर्द थींदा पी है टोपी हूँ लाई है ते टोपी लाने तो बाद वाल जड़े ना वो थोड़े खिल रहे वे उम्मीद है कि थोको आज का सारा व्लॉग सारी वीडियो जो है पसंद आई उसी अगर थोक सारी वीडियो अच्छी लगी है सारी वीडियो को लाइक कर देवे सारे चैनल को सबसक्राइब कर देना है तो नाल ही दुआ करे सो कि छोटा भाई खैरियत नाल अपने उत्थां जॉब वाली जगह पर पहुँच वे और अपनी जॉब जो है कामयाब थी वे दुआ करे सो खसूसन तो इंशाल्लाह हूँ मिलसो नेक्स्ट वीडियो सो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा इस बंदे नाचीज़ को अपनी दुआओं में याद रखिएगा अल्लाह हाफिज़।